प्रभारी को निलंबित करने की मांग को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के दर्जनों लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल बीते 14 अप्रैल को तेंदुखेड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम था, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के समस्त लोगों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के साथ एक यात्रा निकाली जा रही थी, जिसे तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी द्वारा यात्रा में बजाए जा रहे ढोल बंद करने को कहा और ढोल बजाने पर धारा 140 के अंतर्गत कार्रवाई करने की बात कही, जिसके बाद ढोल बंद कर दिए गए और कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। बात तब बिगड़ी जब 4 दिन बाद परशुराम जयंती पर ब्राह्मण समाज के जुलूस में डीजे एवं ढोल जमकर बजाए गए, लेकिन उन्हें नहीं रोका गया, जबकि थाना प्रभारी शुक्ला स्वयं इस जुलूस में शामिल थे। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में इस बात को लेकर खासा आक्रोश है। उनका कहना है कि TI शुल्क, जो कि खुद ब्राह्मण जाति से हैं, इसलिए उन्होंने धारा 140 के पालन में भेदभाव किया एवं परशुराम जयंती के कार्यक्रम में DJ ढोल सब बजाने दिया गया। इसके अलावा पूरे जुलूस के साथ रहकर सामाजिक दायित्व भी निभाया। घटना के बाद से संपूर्ण जिले में धारा 140 लगा दी गई। इसमें जातिगत भेदभाव की चर्चा है। इस मामले में लगातार ज्ञापनों के माध्यम से दलित वर्ग के द्वारा विरोध प्रकट किया जा रहा है एवं ऐसे अधिकारी को तत्काल निलंबित करने की मांग की जा रही है। आज ज्ञापन सौंपा है, क्या प्रमुख मांग थी ज्ञापन में और किस तरह की घटना हुई? सर, मांग हमारी है कि 14 तारीख को अंबेडकर जयंती थी, वहाँ पदस्थ तेंदुखेड़ा में पदस्थ TI शुक्ला जी, जो कि मतलब उन्हें DJ बंद करवा दिया था। कुछ दिन पश्चात परशुराम जयंती 18 तारीख को हुई, DJ वहाँ पे बजे और शुक्ला जी खुद वह उस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे, झूम रहे थे, नाच रहे थे। यही हमारी यही मांग है कि ये जो हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इसको जल्द से जल्द और TI साहब पर उचित कार्रवाई की जाए। क्या लगता है ये इस तरह की घटना क्यों हुई है, क्या मानते हैं? सर, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊंच नीच का भेदभाव को लेकर ये सब हुआ है। क्या नाम? भूपेन सिंह। और सर, क्या मामला है, ज्ञापन सौंपा है? हम लोग जो है ज्ञापन सौंपने आए हैं और SP महोदय से ये निवेदन किया है कि 14 अप्रैल को जो हम लोगों का DJ बंद कराया था तेंदुखेड़ा में अम्बेडकर जयंती में, ठीक है, उसके बाद हम तो कानून का पालन किए हैं और करते भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो परशुराम जयंती हुई उसमें TI साहब ने जो है वहाँ DJ बजवाया, ढोल नगाड़े बजवाए, तो हम उनसे ये निवेदन करने आए हैं कि उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई करें और ये भेदभावपूर्ण शासन की तरफ से जो किया गया है उसको बंद करें। क्या आश्वासन मिला? TI साहब ने, SP महोदय ने कहा है कि ठीक है, हम उसकी जो है क्लिपिंग मंगवा करके देखेंगे, जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया उसमें विचार करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। कितना आक्रोश है अनुसूचित जाति वर्ग में? सर, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की मांग को जो है सरकार पूरी तरह से अनादर कर रही है, उसको हम ये चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई करें और हमारे साथ जो भेदभाव किया गया उसको समानता लाने के काम करें। क्या सब नाम? मैं नंदलाल अहिरवार। सर, क्या मामला है, ज्ञापन सौंपा है? हम लोग जो है ज्ञापन सौंपने आए हैं और SP महोदय से ये निवेदन किया है कि 14 अप्रैल को जो हम लोगों का DJ बंद कराया था तेंदुखेड़ा में अम्बेडकर जयंती में, ठीक है, उसके बाद हम तो कानून का पालन किए हैं और करते भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो परशुराम जयंती हुई उसमें TI साहब ने जो है वहाँ DJ बजवाया, ढोल नगाड़े बजवाए, तो हम उनसे ये निवेदन करने आए हैं कि उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई करें और ये भेदभावपूर्ण शासन की तरफ से जो किया गया है उसको बंद करें। क्या आश्वासन मिला? TI साहब ने, SP महोदय ने कहा है कि ठीक है, हम उसकी जो है क्लिपिंग मंगवा करके देखेंगे, जो आप लोगों ने ज्ञापन दिया उसमें विचार करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। कितना आक्रोश है अनुसूचित जाति वर्ग में? सर, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की मांग को जो है सरकार पूरी तरह से अनादर कर रही है, उसको हम ये चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई करें और हमारे साथ जो भेदभाव किया गया उसको समानता लाने के काम करें। क्या सब नाम? मैं नंदलाल अहिरवार। खिलाफ आज ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन है तेंदुखेड़ा TI के अगेंस्ट की उन्होंने परशुराम जयंती में जो भी DJ वगैरह चल रहे थे उसको प्रतिबंधित नहीं कराया, तो ज्ञापन में जो भी फैक्ट है उसकी जांच कराएंगे, फिर जांच में जो भी स्थिति हुई उसके हिसाब से आगे कार्रवाई। एक जाति वर्ग के कार्यक्रम को हमने रोका से बंद कराया और दूसरे कार्यक्रम में जो भी आवेदन में तथ्य हैं उसके हिसाब से जांच करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई होगी।